प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और लगातार मंत्री अनिल विज विपक्ष के सवालों का भी बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं। और अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रशांत किशोर के साथ कई बार मीटिंग किए जाने के सवाल पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। कांग्रेस को अब कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा और इसीलिए वह कोई न कोई सहारा तलाश रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा, अब उनको कोई किसी तरफ कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, इसलिए वो कोई ना कोई सहारा ढूंढ रहे हैं। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम में बढ़ते मरीजों को लेकर उन्होंने सर्वे करवाया था। केवल गुरुग्राम में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली NCR के 4 जिलों में मास्क लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, बाकी अन्य जिलों में कोरोना के मरीज ना के बराबर है। देखिए, मैंने सारा सर्वे करवाया है, कोरोना के केस केवल गुड़गांव में बढ़े हैं या थोड़े से फरीदाबाद में बढ़े हैं, बाकी सारे हरियाणा में जीरो, आधे से ज़्यादा जिलों में जीरो हैं। इसलिए हमने दिल्ली से लगते 4 जिलों में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इन 4 जिलों में मास्क डालना अनिवार्य कर दिया है। वही हरियाणा कांग्रेस की प्रवक्ता वेणु अग्रवाल ने SYL को लेकर कहा कि पानी किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन झूठ के बल पर नहीं सच के दम पर चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने झूठ के दम पर सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने के मामले में BJP को भी पीछे छोड़ गई है। अग्रवाल ने कहा कि पंजाब में 300 यूनिट बिजली 20 जुलाई से फ्री देने की बात की जा रही है, तो वहीं हर महिला को पंजाब में 1000 रुपए प्रति महीना देने की बात की गई थी, वह वादा भी पूरा नहीं किया गया है। देखिए, पानी किसे नहीं अच्छा लगेगा, हर घर को भी चाहिए, हर खेत को भी चाहिए, लेकिन झूठ के बल पर नहीं सच के बल पर चाहिए। आपको दम दिखाना होगा। आपकी सरकार पंजाब में बनी है और झूठ के पुलिंदे पर बनी है। BJP सरकार से झूठ बोलना इन्होंने सीखा, लेकिन एक कहावत है ना कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया, तो आज ये झूठ में उनसे भी ऊपर निकल गए। वो कहते हैं कि हर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई है। भगवंत मान जी ने बोल दिया कि जुलाई के बाद से शुरू करेंगे। उन्होंने बोला कि हर गृहिणी को 1000 रुपया देंगे, आज तक तो किसी गृहिणी के हाथ में नहीं आए। तो केवल झूठी बातें करते हैं। और सबसे बड़ा जुमला, जब ये नहीं दे पाए, ये सब कुछ नहीं पाए, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने क्या जुमला छोड़ा है। अब जुमलेबाज ये भी हो गए हैं कि चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल बना देंगे। चंडीगढ़ को ये हरियाणा से छीनना चाहते हैं और हरियाणा वासियों के हित की बात कर रहे हैं। ये कैसे बात कर सकते हैं हरियाणा वासियों के हित की? बिल्कुल, देखिए, जैसे पंजाब सरकार में बादल के टाइम में उन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे कि नहर बननी चाहिए पंजाब से, वो नहर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। आप नहर का काम शुरू तो कीजिए, जब तक वो कैनाल नहीं बनेगा तब तक पानी कैसे देंगे आप? तो केवल झूठ के बल पर नहीं, जो कुछ काम करना है तो सच्चाई में और आंकड़ों के हिसाब से करना चाहिए। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।